पीएम मोदी ने आज मन की बात कार्यक्रम में 112वें एपिसोड को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों के तहत जन भागीदारी की चर्चा की। इसके साथ ही उन्होंने विभिन्न मुद्दों पर अपनी बात रखी। पीएम मोदी के मन की बात कार्यक्रम को 22 भारतीय भाषाओं और 29 बोलियों के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में भी प्रसारित किया गया। मन की बात का प्रसारण ऑल इंडिया रेडियो के 500 से अधिक प्रसारण केंद्रों पर किया गया। वहीं भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मन की बात कार्यक्रम को अलग अलग जगहों पर सुना। इसके साथ ही जयपुर भाजपा प्रदेश कार्यालय में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मन की बात को ध्यान से सुना। महीने के अंतिम रविवार को प्रधानमंत्री करते हैं अपने मन की बात। यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने जनता के मन की बात अपने श्रीमुख से कही। आज मन की बात के कार्यक्रम में मैं ये कहूँगा कि बहुआयामी ये कार्यक्रम आज का था, क्योंकि इसके अंदर पर्यावरण को शामिल किया, इसमें युवा शक्ति को, विद्यार्थियों का भी और बात हुई, वन पर्यावरण और लघु उद्योग, खादी से संबंधित। ऐसा करके मैं सोचता हूँ कि हिंदुस्तान के कोने कोने में जो खूबियाँ हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उन सब का वर्णन आज की मन की बात के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने निश्चित तौर पर किया है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी को राजस्थान भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, मेरे कोटि कोटि कार्यकर्ताओं की तरफ से बहुत बहुत साधुवाद और आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। प्रधानमंत्री जी के 112वीं मन की बात में आज जिस प्रकार से युवाओं को प्रोत्साहित किया है, उनकी योग्यताओं को पूरे देश के समक्ष आज दिखा के उन्होंने ये प्रदर्शित किया कि आज हमारे देश का युवा किस गति से पूरी दुनिया में अपना नाम कमा रहा है, और ऐसी ऐसी जानकारियां जो हमारे देश के लिए बहुत ही उपयोगी है। आज उन्होंने बताया कि जो बाघों की संख्या पूरे दुनिया में 70% पूरे हमारे देश में ही है, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है। बहुत सी ऐसी जानकारियां, चाहे वो टूरिज़्म की बात हो, एक कोने से दूसरे कोने में क्या क्या हमारे देश की उपलब्धियाँ हैं, इन सबको समावेश करते हुए मन की बात बहुत ही उपयोगी, सार्थक सिद्ध हो रही है। और इस पूरी देश में ही नहीं, पूरी दुनिया में रहने वाले हमारे भारतीय इस मन की बात के अवसर का इंतजार करते हैं और इसको देखकर लाभान्वित होते हैं।